हम तो कह कह के परेशान है कि भैया कब गली सुधरवा दो। पार्षद हमारी जो है बिजी रहते हैं, आते नहीं है। पूरी नाली तो साफ होनी चाहिए, कुछ नहीं करते, सिर्फ कह के चले जाते हैं। ना कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता, ना झाड़ू लगाने वाला आता, नाली साफ करने वाला, हम खुद ही करते हैं। जब हम बोलते हैं कि गटर का पानी आ रहा है तो यहाँ कहीं ना ब्लॉकेज है, उसमें ना यहाँ कहीं ब्लॉकेज है, वो रुकता है तो जब वो ब्लॉक खुल जाता है फिर थोड़े दिन पानी साफ आता है, फिर गंदा आना शुरू हो जाता है। नमस्कार, आपका वार्ड देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। इस शो में हम देहरादून के सभी 100 वार्डों की पड़ताल कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है मात्र इतना कि जिस प्रत्याशी को, जिस पार्षद को आप अपना कीमती वोट देकर चुनते हैं वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं वार्ड 21 MKP, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये इशारा करता है, ये बात मैं देहरादून वासियों को बता दूं कि ये परेड ग्राउंड इशारा करता है कि जब आप यहाँ आएँ तो इसका मतलब है कि आप वार्ड 21 के अंदर हैं। हम आपको यहाँ की गलियों में घुमाएंगे और ये दिखाएंगे कि यहाँ के पार्षद ने यहाँ के लोगों को क्या सुख सुविधाएं दी हैं और जो सुविधाएं उन लोगों को मिलनी चाहिए थी उनको मिली हैं या वे उनसे वांछित हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। शिकायत यही है कि गली सारी हमारी देख लो आप कैसी हो रखी, हम तो कह कह के परेशान है कि भैया कब गली सुधरवा दो, सुधरवाने को तो कोई तैयारी नहीं है, सारा ऐसे पड़ा हुआ नाली और गली। पानी की तो सुविधा है, पानी की तो सुविधा है, बस ये गली खराब हो रखी। ना कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता, ना झाड़ू लगाने वाला आता, नाली साफ करने वाला, हम खुद ही करते हैं। कूड़ा इधर ये है स्टैंड जो बना हुआ बस स्टैंड, उसके पास ही जगह बना रखी, वहीं पर पड़ता कूड़ा। ये वार्ड 21 MKP की हम पहली गली के अंदर घुसे, आपने इस गली का बोर्ड देखा, बोर्ड बिल्कुल चमचमाता हुआ है, एक एक चीज़ अच्छे तरीके से लिखी गई है, लेकिन जब इस गली को देखते हैं वो बोर्ड के बिल्कुल उलट है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप मेरे पीछे देखिए, गली में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है, साफ़ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं है। और अभी मैं आपको एक चीज़ और ऐसी दिखाता हूँ जो आपके लिए और इन गली वालों के लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। आप अगर वो खंभा देख पा रहे हैं, एक बार वो खंभा देखिए, ये खंभा आधा नीचे से टूटा हुआ है। अब ये तो खंभा ही बताएगा, ये ऊपर के जो बिजली के तार हैं, जो लोगों के घरों में जो बिजली जा रही हैं इस खंभे के थ्रू, वो कितने दिन तक टिक पाता है। पर अगर एक बड़ा सवाल ये है, ये अगर गिरता है तो इससे गली वालों को खासा नुकसान होगा और जो यहाँ के पार्षद हैं वो बेसुध हैं, उन्हें इतना नहीं पता है कि किस चीज़ को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना चाहिए। हालांकि जो बिजली का खंभा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी गली का, क्योंकि उसके थ्रू पूरे गली के जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं, उनको बिजली मिलती है। ये तो रोड रोड तो ही बनाते ही रहते हैं वो, और नाली का काम भी करते रहते हैं। और हमने तो ये जो तारे हैं जी, ये खंभे की, इसके लिए बोला था, किसने सुनाई नहीं करी, सुनाई नहीं किसी ने भी, कोई सफाई नहीं करते हैं। फिर नाली का तो यहाँ से साफ करना चाहिए, बीमारी होती है उससे, हैं इतना वो गर्मी हो रही है अब, है ना, पूरी नाली तो साफ होनी चाहिए, नहीं करते, कुछ नहीं करते वो लोग, सिर्फ कह के चले जाते हैं। नगर पालिका से भेजे जाते हैं, वो एक दो बार खचखच करते हैं, उसके बाद 50-50 रुपए सारे मोहल्ले वालों से लेते हैं। जब हम बोलते हैं कि गटर का पानी आ रहा है तो यहाँ कहीं ना ब्लॉकेज है उसमें ना, यहाँ कहीं ब्लॉकेज है, वो रुकता है तो जब वो ब्लॉक खुल जाता है फिर थोड़े दिन पानी साफ आता है, फिर गंदा आना शुरू हो जाता है। वो जब से बने यहाँ पर पार्षद तब से वो आते ही नहीं है, बल्कि बहुत बार हमने भी कुछ हमें काम कराना पड़ा उसके लिए भी गए, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। यहाँ पे ना 18 साल से ना गंदा पानी आ रहा गटर का। ठीक है सर, अगर अभी आ रहा होगा तो अभी दिखाते हैं आपको, देखना आ रहा पानी, अभी नहीं चालू हुआ ना, फिर एक लाइन डलवाई हम लोगों ने,
वो लाइन के बाद भी गंदा पानी आ रहा है। अभी एक लाइन और लगी है, ये अभी जोड़ी नहीं उसने। कितनी कंप्लेंट करते हैं यहाँ का गटर का पानी गंदा पानी। बिजली के तार वगैरह तो हैं, लाइटें नहीं जल रही रात को। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा गंदी है, पानी गंदा आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, और हम लोगों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पानी पीते हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। और ये कि एक तो ये गंदगी है, नाली नूली सब गंदी है। पार्षद हमारे जो है बिजी रहते हैं, आते नहीं हैं। हम तो यही है कि पानी की समस्या हमारी सही हो जाए बस। अभी हम रेस कोर्स चौक पर हैं, वार्ड 21 के भी, यहाँ दिनेश अग्रवाल जी के सामने हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। नज़ारा है सीवर लाइन का, जो काफ़ी हद तक सड़कों पर पानी भरा रहता है, ओवरफ्लो रहता है, और इसका कारण कहीं ना कहीं विभागों की तालमेल की कमी है। पे दो तीन दफ़ा ऑटो भी गिरा, गिरने से ऑटो नहीं, ये एक्टिव गिरने से बता, ये वगैरह मैंने लगा रहा और ये रेस्टोरेंट भी बदबू बहुत भयंकर आता है। अभी हमारे साथ पार्षद जी हैं वार्ड 21 के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए, जब आप बतौर पार्षद यहाँ चुने गए, क्या क्या कार्य हैं जो आपने अभी तक अपने कार्यकाल में कराए? देखिए, जब मैं बतौर पार्षद यहाँ पे चुना गया है तो यहाँ पे काफ़ी सारी कमियाँ थी हमारे वार्ड में। कई जगह की समस्या थी, कई जगह सीवर लाइन की समस्या थी, कई जगह साफ सफाई की समस्या हम यहाँ पे देखते थे। क्योंकि काफ़ी हद तक हमने कोशिश करी, जितना हमारे पे फंडिंग थी, जितना हमारे पे मैनेजमेंट था, जितने हमारे पे लोग थे, मैन पावर थी, हमने काफ़ी हद तक कोशिश करी। पानी की लाइनों की, सीवर की लाइनों की। अच्छा, और एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि रही कि जब नगर निगम में हम चुनकर आए पहली बार पार्षद, तो हमारा वार्ड प्रथम वार्ड बना जहाँ पे कूड़े का सेग्रीगेशन हुआ। सर एक आपके वार्ड में, हालांकि गलियाँ बहुत कम है, एक गली है जो कोर्ट के नीचे है, उसमें एक तो साफ सफाई की व्यवस्था थोड़ी खराब थी, दूसरा लोगों की वहाँ शिकायत है कि बिजली का खंभा है जो नीचे से काफ़ी हद तक टूटा हुआ है और उसके गिरने का खतरा है, तो उसको लेकर कुछ आपके संज्ञान में आया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, जो खंभे वाली बात आपने करी है मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं। अदरवाइज हमारा जो विद्युत विभाग है, हमारा UPCL, ये काफ़ी एक्टिव है इस मामले में। एक जो गली है स्टोर 20 है इसी रोड पर, उसके बराबर में एक गली है, वो उसकी नालियाँ हटी रहती हैं साफ़ सफाई की भी, वहाँ लोगों में आपको लेकर थोड़ा सा आक्रोश इसलिए भी है कि साफ सफाई का ध्यान नहीं होता, दूसरा जो वहाँ लाइन बिछाई गई है पानी पीने की वाली, उसमें उन्होंने बताया कि सीवर का पानी उसमें थोड़े दिन के लिए आया लेकिन वो दोबारा बदल दिए। अब लोगों की शिकायत है कि वो पानी भी जो दूसरी लाइन डली थी वो भी ऐसी हो गई। जी, मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि हमारा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 21 MPP, लगभग पूरा वार्ड जो है स्मार्ट सिटी ने टेक ओवर कर लिया है। इसी रोड पे आप जिस गली की बात कर रहे हैं, वो गली हमने थोड़ा समय पहले बनाई भी थी। हुआ क्या, गली बनाने के थोड़े समय बाद स्मार्ट सिटी वाले आए, उन्होंने पानी की लाइन डाली, टोटल लाइन वहाँ पे स्मार्ट सिटी में डाली, पानी मेन रोड पर भी डाली और गलियों पर भी डाली। उसके बाद उनका जो रिपेयर वर्क रहा, उस समय भी हम उन्हें बोलते रहे कि गुणवत्ता जो है आप इसकी देखिए, आप तरीके से काम करिए। वह किसी तरीके से बराबर को काम ढक कर किसी तरीके से चले गए। उसके चक्कर में क्या हुआ कि गली की ढाल उल्टी हो गई और वहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या शुरू हुई। दूसरा, उसी गली के लोगों की भी समस्या है कि जो बिजली का खंभा है, वो जो तार जा रहे हैं वो घरों के बहुत नज़दीक हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने आपको इसको लेकर शिकायत भी की है कि इस खंभे का जो बिजली के तार हैं, उसको निस्तारण किया जाए ताकि हम लोग थोड़ा सुरक्षित रहें। जो गलियों का काम है, चाहे वो खंभों का काम है, चाहे खंभों की लाइटों का काम है, चाहे तार शिफ्टिंग का काम है, वो हम तब तक छिड़वा नहीं सकते जब तक हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलती कि मेन रोड पे खंभे कहाँ पे आने वाले हैं। तो आपने देखा कि जो लोगों की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, क्योंकि यहाँ पार्षद का कहना है कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्य हो रहे हैं उनसे उनके काम काफ़ी हद तक इफेक्ट हो रहे हैं, वो भी नेगेटिव तरीके से। अब अगर वो इसके बाद भी वो तैयार हैं कि अगर मेरे हाथ में जितना कुछ है मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ना होता तो शायद मेरे वार्ड में कोई कमी ना होती। बहरहाल, आपको ये हमारी पड़ताल कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पर मिलती रहे।